हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्किल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एक्सेल के अंदर में कभी सर्च बार का यूज नहीं किया तो ये वीडियो अंत तक देखें, आप जो है ना सर्च बार का यूज करना सीख लेंगे। हमने यहाँ पे टेबल लिया है, मान लीजिए उस टेबल में बॉर्डर देना है तो आप सिंपल कंट्रोल ए की मदद से पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, देन आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट क्यू। ऑल्ट क्यू प्रेस करते ही हमारा यहाँ पे सर्च बार ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर लिखने के बाद यहाँ पे हमारा बॉर्डर का ऑप्शन आ जाएगा। आप ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे और जो भी बॉर्डर देना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करके आप जो है ना अपने टेबल में बॉर्डर दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस टेबल में जो डेटा है इसको जो है ना सेंटर करना है, तो अगेन कंट्रोल ए की मदद से आप सिलेक्ट करेंगे, देन ऑल्ट क्यू प्रेस करेंगे। ऑल्ट क्यू प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। सेंटर लिखने के बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेंटर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा डेटा सेंटर में आ जाएगा। यह हमारा हेडिंग है, मान लीजिए मुझे हेडिंग में जो है ना कलर देना, तो सिंपल आप ऑल्ट क्यू प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, हमारा सर्च बार ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे कलर, कलर लिखने के बाद हमारा कलर आ जाएगा। ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे और जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे हेडर को जो है ना फॉन्ट कलर बोल्ड करना हो, तो आप ऑल्ट क्यू प्रेस करेंगे। ऑल्ट क्यू प्रेस करने के बाद बोल्ड लिखेंगे यहाँ पे। बोल्ड लिखने के बाद हमारा यहाँ पे बोल्ड नाम का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा जो है ना ये है इसका फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। सो इस तरीके से हम सर्च बार का जो है ना यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।